व्याकरण सब्जेक्ट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। क्या नाम? भाषा और व्याकरण। अब इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं भाषा। क्या होती है भाषा? आपने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ी है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि भाषा क्या होती है। कि हम जो भी बात अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बोलकर, लिखकर, सुनकर या फिर पढ़कर, कैसे भी हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे अपनी भाषा को किस भी तरीके से समझे, वही क्या होता है? भाषा होता है। जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही और आप उसी चीज को सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो वो क्या है? भाषा है। अब मैं आपको लिखकर समझाऊं और आप उसको पढ़कर समझोगे, तो वो क्या है? भाषा है। आया समझ में? क्लियर? वो भाषा क्या होती है? अब भाषा जो है वो किन किन से मिलकर बनती है अपन वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। बताया ना आपको, बताया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है वर्ण? जिसमें क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर आते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्णमाला। क्या बन जाता है? वर्णमाला। जब हम स्वर प्लस, हम क्या करेंगे? स्वर प्लस व्यंजन दोनों को मिला दिया अपने, स्वर को भी मिलाया और व्यंजन को भी, तो वो दोनों को मिलान क्या हो गया? अपना वर्णमाला हो गई। तो अपने जो वर्ण जो है उनका मेल, वर्णों का मेल, उसको अपन वर्णों को एक साथ मिलाकर सार्थक अर्थ में उसका एक शब्द बनाएंगे। पहले वर्ण आता है, वर्ण के बाद में जब हम दो वर्णों को एक साथ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपना शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? शब्द। जैसे अपन वर्णों को मिलाते हैं ते, और दूसरा वर्ण है मैं, तो ये क्या बना? कम। तो ये क्या हो गया? शब्द बन गया। बना जैसे अपन ने आगे लिखा ते, मैं, ले। अब तीन वर्ण मिले, वर्ण, मैं वर्ण और ले वर्ण, तीनों वर्णों के मेल से अपन ने क्या कर दिया? ये तीनों वर्णों को मिलाकर अपन ने क्या बना दिया? शब्द बना दिया। क्या बनाया? शब्द। आया समझ में कि वर्णों के मेल से हमने क्या बनाया? शब्द। वो वर्णों के कौन से मेल से? सार्थक मेल से, निरर्थक नहीं, जिसका कोई अर्थ ना हो। ऐसे वर्ण नहीं होने चाहिए। वर्ण कौन से होने चाहिए? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। उन वर्णों के मेल से हमने क्या बनाया? शब्द बनाया। शब्द। उसके बाद हम क्या करेंगे? शब्दों के मेल को जोड़ेंगे। सब पहले हमने वर्णों को जोड़ा, वर्ण सबसे छोटी होती है, दो वर्ण को जोड़ा तो एक शब्द बन गया, ठीक है। और अब शब्दों को अपन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य। जैसे राम जाता है, हमने शब्दों को जोड़ा, राम जाता है। क्या करता है? राम जाता है, ठीक है। अब एक शब्द हो राम, दूसरा शब्द हो गया जाता, और तीसरा शब्द हो गया है, तो राम जाता है। अब तीनों को अपन ने मिला करके क्या कर दिया? तीनों का क्या बना दिया हमने? वाक्य। क्या बनाया? वाक्य। आया समझ में कि शब्दों के मेल से अपन ने क्या बना दिया? वाक्य। अब अपन को क्या करना है? वाक्य बना लिया अपन ने, वर्ण देखिए अपन ने, वर्ण के बाद में अपन ने शब्द, शब्द के बाद वाक्य। अब वाक्य के बाद में अपन क्या करेंगे? वाक्यों का मेल बनाएंगे कि राम जाता है, कल आएगा। तो इसके आगे अपन ने लिख दिया कल, इधर करते राम जाता है कल आएगा, ओके। तो अपन ने क्या किया? दो वाक्य मिला दिए ना, कि राम जाता है एक वाक्य हो गया, राम कल आएगा दो वाक्य हो गए। अब दो वाक्यों का क्या हो गया? एक अनुच्छेद बन जाता है। ऐसे हम वाक्यों को आगे से आगे मिलाते रहेंगे तो एक अनुच्छेद बनेगा, और उसी अनुच्छेद को क्या बोला जाता है? भाषा बोला जाता है। आया समझ में कि क्या करना है अपन को? भाषा क्या होती है? हम जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, किसी भी तरीके से हमें उसको समझना है। समझने का जो तरीका है वही भाषा है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, किसी भी तरीके से अपन को भाषा को समझना है, वही, चाहे वो
मानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई पता ही है, वर्ण, वर्ण को मिलाया तो शब्द बन गया, वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया, शब्द बन गया। अब शब्दों को मिला दिया मैंने यहाँ पर तो क्या बन गया, वाक्य। और जब वाक्य को अपन ने मिला दिया तो ये क्या बनेंगे, अनुच्छेद। और इन्हीं अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। आया समझ में? अब एक बार अपन भाषा की परिभाषा देखते हैं। ओके, भाषा की परिभाषा, अब देखो भाषा की परिभाषा में देखो, अपने मन के भाव, क्या करना है, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाना है के लिए, अपने मन के भावों को पर दूसरों को पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह प्रयोग ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। कि हम अपने मन के भावों को दूसरों तक और दूसरों के भावों को अपने तक पहुंचाते हैं, और जिस चीज से पहुंचाते हैं वही भाषा कहलाती है, वही क्या होता है, वही साधन भाषा कहलाती है। एक बार मेरे साथ इस परिभाषा को रिवाइज करोगे तो आप लोगों के भी क्लियर हो जाएगा। ओके, एक बार करना, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कि अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा के अपन ने देखे कि भाषा किन किन से मिलकर बनती है। भाषा पहले वर्ण, ठीक है, वर्ण में अपन को क्या करना है, पहले अपन ने वर्ण को मिलाया, वर्ण में अपन ने क्या मिला दिया था, शब्द को, क्या मिला, शब्द। ओके, अब शब्द में अपन ने क्या बनाया, वाक्य। ओके, और वाक्य में अपन ने क्या मिला दिया, वाक्यों का क्या किया अपन ने, अनुच्छेद बना दिया, अनुच्छेद। समझ में आ रहा है ना, अनुच्छेद। और वो ही क्या कहलाती है, अपनी भाषा कहलाती है। अनुच्छेद पता है क्या होगा, जैसे अपन ने क्या किया, बहुत सारे वाक्य ले लिए एक साथ अपन ने बहुत सारे वाक्य ले लिए, जैसे राम आजा आता है, वह फल खाता है, वह जयपुर जाएगा, वहां से कल आएगा, उसकी मम्मी वहां गई हुई है, ऐसे अपन ने बहुत सारे वाक्यों को एक साथ मिला दिया। तो उन एक साथ अपन ने जिन वाक्यों को मिलाया है वो एक साथ मिले हुए वाक्य जो है उन्हें अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अनुच्छेद। हुआ क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं इसका, आपके समझ में आ गया भाषा क्या होती है, भाषा किन किन के वजह से बनती है। आया समझ में कि भाषा वर्णों के वजह से फिर शब्द बन जाता है, शब्दों के वजह से वाक्य बन जाता है, और वाक्यों के वजह से अनुच्छेद बन जाती है, और वो अनुच्छेद ही क्या कहलाती है, भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं भाषा के। पहले आप समझ लो कि भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। अब लिखित भाषा जो है वो लिखकर समझाया जाता है और सामने वाला उसको पढ़कर समझ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये परिभाषा लिखी है, ठीक है, कि अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया, आप इसको पढ़ोगे, मैं तो लिख दी, तो मैंने अपना काम क्या किया, लिखकर, और आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। तो जब आप इस भाषा को पढ़ोगे तो आपका क्या हुआ, पढ़ने से समझ में आया, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया और सामने वाला उसको पढ़कर समझ जाता है, तो भाषा का लिखित रूप होता है। फिर अपना सेकंड पॉइंट आ गया मौखिक भाषा। कौन सा आ गया, मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा के अंदर मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि अपने मन के भावों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को लेते हैं, उस साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो जब मैंने आपको बोलकर ये चीज बताई है और आप उस चीज को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, सुनकर समझ रहे हो, तो वो भाषा का क्या हो गया, मौखिक रूप हो गया। जैसे हमने किसी को पत्र लिखा, पत्र पता है आप लोगों को, लिखते हैं ना,
या प्रार्थना पत्र लिखा आपने नेक्स्ट क्लास में, लिखे है ना, लिखे हैं क्वेश्चन आंसर भी लिखते हो, और लिखकर आप हमारे सामने नोटबुक रख देते हो अपनी, तो आपके लिखे हुए को हम पढ़कर समझेंगे कि आपने मुझे क्या, मैंने क्वेश्चन डाल दिया और आप उनका टेस्ट ले रहे हो, तो आंसर लिख के लाओगे मेरे पास। तो लिखा हुआ जो है, मैंने क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पे, तो उन क्वेश्चन को आपने क्या किया, पढ़ लिया और लिख लिया, हो गया। फिर आप उसमें अपने मन के भाव जो है वो लिखोगे और मेरे पास लाओगे, तो मैं उसको पढ़ूंगी, पढ़ करके मैं उसको क्लियर करूंगी, तो वो मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बताना चाह रहे हो, तो मैंने पढ़कर और आपने लिखकर, तो वो लिखित रूप होता है। ऐसे ही जैसे मैंने क्लास ली और मैंने आपको खड़ा कर दिया कि भाषा क्या होती है, तो मैंने जो पूछा वो आपके समझ में आया कि मैंने क्या पूछा, कि मैं भाषा के बारे में पूछ रहा हूँ, आपको पता है, और आप उसकी परिभाषा मुझे दोगे कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताओगे, तो वो आपका बताना और मेरा बोलना क्या हो गया, मौखिक हो। आया समझ में? अब देखो भाषा के ऊपर रूप देखते हैं। भाषा के मैंने रूप, ओके, और भाषा के मैंने आपको कितने रूप बताए, दो रूप बताए, एक मैंने आपको लिखित बताया है, ओके, ये भाषा का लिखित रूप, लिखित भाषा, और दूसरे नंबर पर भी आगे मौखिक भाषा। आया समझ में? मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा, अब लिखकर जो समझाऊंगी वो भाषा लिखित हो गई, और कॉल पर जो बताऊंगी वो मौखिक हो गई। आया समझ में? आम कॉल में हम बोलते हैं तो लिखने वाली भाषा और बोलने वाली भाषा, दोनों को आम लैंग्वेज में हम लिखने वाली और बोलने वाली भाषा बोल देते हैं। आ गया समझ में? अब आगे यस स्टूडेंट, अब अपन बुक से पढ़ेंगे व्याकरण कौशल। अपनी व्याकरण की जो बुक है आपको पता है, इसका फर्स्ट चैप्टर है अपना भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा और व्याकरण। अब उसमें अपन भाषा देख लेते हैं। संसार के लगभग सभी प्राणी बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इनमें मनुष्य अपने सभी भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट कर सकता है, जबकि दूसरे जीव जंतु अपने कुछ ही भाव या विचार प्रकट कर सकते हैं। कि मनुष्य में एक ऐसा होता है कि वो ही अपनी सारी बातें जो है वो बोलकर दूसरों को समझा सकते हैं, और कोई जीव जंतु में ऐसा नहीं होता कि वो अपने मन के विचार किसी को समझा सके। मनुष्य की आवाज़ अधिक स्पष्ट होती है। मनुष्य की आवाज़ क्या होती है? स्पष्ट होती है। हम प्रतिदिन जो भी कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, वही भाषा कहलाती है। कि जो भी हमें बोलना है और सुनना है, यही करते हैं हम पूरे दिन, वही भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा हमारे भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। कि भावों और अपने जो मन के भाव और विचार है उनको पहुंचाने का साधन होता है। हम छोटी छोटी ध्वनियां जोड़कर बोलते हैं। कि छोटी छोटी ध्वनियां बताया था, ध्वनियां वर्ण होती है, उनको जोड़ करके हम पूरे भाषा को बोलते हैं। अब वर्ण के क्रम व मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को अपन मिला देते हैं तो शब्द बन जाते हैं, आपको अभी मैंने समझाया था। और शब्दों के मेल से क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। और वाक्यों के ही मेल से अनुच्छेद बनते हैं। क्या बनते हैं? अनुच्छेद, जो मैंने अभी अभी समझाया आपको सारा, तथा अनुच्छेद के मेल से ही भाषा बन जाती है और भाषा का निर्माण हो जाता है। उपयुक्त चित्र में दो बच्चे अपने मन के विचारों भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं तथा सुनकर उन्हें समझ रहे हैं। ये जिस साधन का सहारा ले रहे हैं उसे भाषा कहते हैं, और ये जिस साधन का सहारा ले रहे हैं उसे ही भाषा कहते हैं। एक बार परिभाषा देखो, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, अपने मन के भाव अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए हम दो रूप अपनाते हैं, अतः भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा लिखित, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। फर्स्ट देख लो मौखिक रूप, भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कि भाषा का वह रूप जिससे बोलकर सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह मौखिक रूप कहलाता है। कि हम बोलेंगे और दूसरा उसको सुनेंगे, और वही आदान प्रदान एक दूसरे के पास इधर से इधर लाना मौखिक रूप कहलाता है। जैसे इसमें बताया है, मोहिनी बेकरी की दुकान पर जाकर कहती है,
मुझे एक ब्रेड, दो सैंडविच तथा एक पेस्ट्री दे दीजिए। तो वो जो दुकान मालिक है वो समझ गए और वो बोलते अभी दे देता हूँ। यही भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ मोहिनी बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है तथा दुकानदार अपने विचारों को सुनकर समझ रहा है, अतः यह भाषा का मौखिक रूप है। अब सेकंड है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लिखित रूप कहलाता है। कि लिखा जाता है और सामने वाला उसको पढ़ लेता है, वो क्या होता है, लिखित रूप कहलाता है। जैसे यह अध्यापिका बता रही है, अध्यापिका ने शाम पट पर लिखकर बच्चों को समझाया है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला साधन ही, शास्त्र ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यहाँ अध्यापिका ने अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जिन्हें छात्रों ने पढ़कर समझा, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे का मैं कल पढ़ाऊंगी, आज आप ये सारा रिवाइज करोगे, तीनों परिभाषाएं लर्न करोगे। ओके, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सर्च ऑन यूट्यूब आरपी दुलार शिक्षण संस्थान। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।